हेलो स्टूडेंट वेलकम टू वॉटनी आफ्टर क्लास स्टूडेंट आज मैं आपको बताऊंगा सारे क्वेश्चंस के आंसर काफी बच्चे मेरे से बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि तो एक साथ मैं आपको आंसर बता देता हूं जो भी आपके क्वेश्चंस है कि पहला ये क्वेश्चन था कि सर ये प्रतिशत क्या कैसे निकलेगा हमारा ठीक है उसके बाद में क्या था कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा है हमारा दूसरे कॉलेज के आ गए हैं रिज़ल्ट उसके बाद में था मेरे पेपर का कोड गलत आ रहा है पता नहीं एक दूसरा कोई पेपर आ गया है उसके साथ में है कि मैं फेल हो गया हूँ या नहीं हो गया मेरा एफ़ लिखा रहा है बैक लग गई है तो क्या करूँ ठीक है पेपर में मतलब जो मेरे ज़्यादा पेपर कम कोड आ रहे हैं लिखे हुए सात किसी के साथ आ रहे हैं किसी के छः आ रहे हैं बीए वालों का था ठीक है तो और मैं प्रैक्टिकल में कैसे फ़ेल हो गया सर मेरा नंबर कैसे गया तो ये सब बवाल क्या हुआ है कि एम जे पी रोवेकर यूनिवर्सिटी का कुछ गड़बड़ हुआ था देखिए यहाँ पर देखिए ये जो बच्चे हैं जो ऊपर एम जे पी रोवकर यूनिवर्सिटी की छत पे आपको दिख रहे होंगे ये कूदने की धमकी दे रहे थे और फिर यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर देखिए ये एक एजुकेशन के पेपर हैं कुछ भी और भी थे फिजिकल एजुकेशन के उसमें जो नहीं नंबर नहीं आ रहे थे अब वो धीरे धीरे संशोधन होने लगा है धीरे धीरे जो अपडेटेड था वो अपडेट होने लगा है तो एम जे पी यूनिवर्सिटी ने फाइनली बता दिया बच्चों को कि जो भी गलतियां हैं वो ठीक हो जाएंगी ठीक है तो आपको घबराने की कोशिश चिंता ना करें ठीक हो जाएगा हल्कल के करके अब मैं आपको बताता हूं कि ये पहला क्वेश्चंस की आपका परसेंटेज कैसे निकालते हैं तो जो आपका दिया हुआ नंबर है उसमें से जितना भी आपको दिख रहा है उससे परसेंटेज कैसे निकालें तो सिंपल प्रोसेस है मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले आपका जैसे कि सेवन देखिए सेवन पॉइंट फाइव हो या कुछ भी हो जैसे कि आपका सात आया हो ठीक है एस जी पी ए अगर आपका सात है तो उसको दस के गुना कर दे देंगे दस के गुना करने के बाद में उसमें सेवन पॉइंट फाइव घटा देंगे अब आपका बचा बासठ पॉइंट फाइव यही परसेंटेज है आपका जितना भी हो आपका पाँच आया पाँच दशलव पाँच आया हो तो फाइव पर यूज़ कर करके कर लेंगे गुणा कर देना है पहले दस से गुणा कर देना है और उसमें से सात दशमलव पाँच घटा देना है आपका परसेंटेज निकल आएगा सिंपल प्रोसेस है किसी से नहीं पूछा है सीधे सीधे जितना भी आया हो एस पी जी एस जी पी ए उसके बाद में उसको गुणा कर दीजिए दस से और उसमें से सात दशमलव पाँच घटा दीजिए आपका परसेंटेज आपके सामने होगा ठीक है तो ये क्वेश्चन आप बार बार ना पूछें आप समझ में आ गया उसके बाद में देखिए ये दूसरा वाला था ये दूसरा क्वेश्चन है कि सर अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया तो देखिए रिजल्ट अपडेट हो रहे हैं काफ़ी कॉलेज हैं जैसे कि अभी मैं कहूँ ओझानी में है एक कॉलेज और भी बहुत बहुत बहु सारे अच्छे संज्ञान में दिख रहे हैं मेरे को दे रहे हैं कमेंट में तो ओझान में एक ए है और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जिसके बी के क्या बी के भी रिजल्ट में अभी अप, बी एस का रिजल्ट अटका हुआ है बी तो बहुत दूर हो गया ठीक है तो उसमें बी वाले हैं कुछ भी और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें कि एम जे यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेज हैं जिसका रिजल्ट अटका हुआ है तो आपके पेपर के रिजल्ट हंड्रेड आएंगे बस वेट कर लीजिए उसके बाद में आता है मेरा कोड गलत है तो आपको बता दूं मैं यही संशोधन हो रहा है आप देखिए दोबारा से अपना अपडेट रिजल्ट देखिए उसमें कोड सही आ जाएगा आपका पेपर कोड आप कुछ पूछ रहे थे कि आप एडमिट कार्ड में ये कोड नहीं है सर और ये कोड कहाँ से आ गया तो हो सकता है कि आपका एक देखिए प्रैक्टिकल वाला कोड हो और उसके बाद में अगर प्रैक्टिकल वाला कोड भी ना हो तो दोबारा से अपडेट कीजिए आप वो सही हो जाएगा उसके बाद मैं सर में फेल हो गया मेरा बैक लगा हुआ है तो मैं कैसे है? मतलब सही कर सकता हूँ उसे तो आपका बैक के फॉर्म भरे जाएंगे यूनिवर्सिटी के अंदर ठीक है दोबारा से एमजेपी कॉलेज अब यूनिवर्सिटी निकालेगी कॉलेज वाले भरवाएंगे उसके बाद में आपको दोबारा से री एग्ज़ाम देना होगा इसके साथ साथ आप सेकंड ईयर में भी आ गए सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं तो सेकंड सेमेस्टर के भी एग्जाम आप देंगे उसके साथ साथ ही आप ये पेपर भी देंगे बैक वाले ठीक है और आप क्लियर करेंगे बैक को और पास हो जाएंगे मेरा पेपर नहीं हुआ था मैंने पेपर एक पे जो प्रयोगात्मक परीक्षा है वो मैंने नहीं दी थी बच्चे कहते हैं कि सर मेरा प्रैक्टिकल छूट गया तो मैं उसमें क्या करूँ तो आपको बता दूंगा जैसे ही सारे रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद में एक प्रयोगत्मक परीक्षा का फॉर्म भरा जाएगा उसमें कुछ फीस जाती है और आपको किसी दूसरे कॉलेज में सेंटर बता दिया जाएगा वहाँ पर जाकर आपको क्या करना है वो प्रैक्टिकल देना है और फिर आप पास हो जाएंगे आपके रिजल्ट में आपके नंबर लिखे आ जाएंगे ठीक है और याद है सर मैं ग्रेस लेके पास हुआ हूँ तीन नंबर का ग्रेस लिखा हुआ है कि सर मैं फेल हूँ या फिर मुझे दोबारा पेपर देने होंगे तो आपको बता दूँ अगर ग्रेस आ गया और नीचे बैक नहीं आ रहा आपका रिजल्ट क्लियर है बस विद ग्रेस आ गया है आपका रिजल्ट तो अब की बार ज़्यादा मेहनत कीजिए ठीक है इस बार तो क्लियर हो चुका है आगे से ज़्यादा सेकंड सेमेस्टर में ज़्यादा मेहनत कीजिए एस पी बढ़ जाएगा आपका तो बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं है ग्रेस वाले बच्चे पास हो जाते हैं बस बैक ना लिखा हो आपका देखना एक नंबर बैक नंबर दो बैक के आगे दो तीन चार ये एक दो जो भी लिखा है तो समझ लो आपका पेपर दोबारा देना है एफ वाले को पेपर दोबारा नहीं देना है विद ग्रेस आ गया है जिसमें ठीक है और अगर फेल हो गया है तो एफ लिखा आएगा उसमें कभी कभी लिखा आ रहा है कहीं कहीं तो अगर ग्रेस लिखा आ रहा है नीचे ना कि विद ग्रेस थ्री नंबर तो वो पास हो गया उसको नहीं देना बस अगर नीचे रिजल्ट फेल आ रहा है तो आपको गड़बड़ हो सकता है ठीक है उसमें बैक है आपका तो ये बैक वाले को और ये बच्चे पूछ रहे थे कि सर तीन में बैक है चार में बैक है देखो मैं बताऊंगा आपको बैक लेने का क्या है कि जैसे ही बैक लगती है जैसे ही भी सब्जेक्ट में तो उसका फॉर्म पूरा भरा जाएगा आपका पूरा प्रोसेस होगा तो जितने अगर दो सब्जेक्ट में है तो आपको दो पेपर देने होंगे अलग अलग सब्जेक्ट के जो भी हैं जैसे कि अगर ये बी एस सी का मानू बंदा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री है तो उन दोनों को दोनों पेपर देने होंगे ठीक है और उसके साथ साथ आपको बी जो 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 बी एस सी सेकेंड ईयर के जो मतलब सेकेंड सेमेस्टर के जो पेपर हैं आप बी ए हों बी एस सी हों बी कॉम हो किसी में भी हों ठीक है आपको देने होंगे और अगर ये बच्चे कुछ बच्चे मेरे को पूछ रहे हैं कि सर जो प्रैक्टिकल होते हैं प्राइवेट वालों के तो प्राइवेट वालों का बायवा होता है ठीक है अगर सोशोलॉजी वगैरह है आपका तो लिया है आपने तो वाइवा वगैरह होता है वो वाइवा आप कॉलेज में देख लीजिए जहाँ पे कॉलेज में अगर डेट उसमें साथ साथ होगा मेंशन तो होगा नहीं तो बाकी कोई प्रैक्टिकल नहीं सब्जेक्ट में प्राइवेट जो होता है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होते तो उसमें प्रैक्टिकल नहीं होते ठीक है वाइवा वगैरह दिखा दिया जाता है कभी कभी वाइवा वगैरह हो जाता है बाकी प्रैक्टिकल कोई नहीं है कि आपको फाइल बनाना होगा ये सबमिट करना होगा वो सबमिट करना होगा ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है इसीलिए वो प्राइवेट हो रहा है अगर रेगुलर होता तो उसमें फाइल वगैरह सब कुछ बनता है असाइनमेंट बनते है। ये सब कुछ आप समझिए ठीक है बार बार कमेंट नहीं कीजिए ऐसे कमेंट से मेरे को लगता है कि आप मेरे को समझा नहीं पा रहा हूँ मैं आपको अगर कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को बताइए और देखिए ये जो है ना कि रिजल्ट नहीं आया अभी तक अपडेट नहीं हुआ तो कुछ इंतजार कर लीजिए और फिर फाइनली अपने कॉलेज वालों को ज़्यादा वो बोलिए ना कि सर देखिए हमने तो एग्जाम दिए थे हमारे यहाँ पर रिजल्ट आ ही नहीं रहा है यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है तो कॉलेज वालों की रिस्पॉसिबिलिटी बनती है इतना तो अगर आप किसी कॉलेज से कर रहे हैं तो आप कॉलेज वालों को बताइए वो आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे और सोल्यूशन नहीं बताए तो मैं आपको बता फाइनली एक ये यही ये मतलब है कि बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए और फिर भी अगर फाइनली सबके रिजल्ट आ जाए और आपका ना है, तो आप कॉलेज में जाके कहिए कि सर मेरा रिजल्ट क्यों अटक गया है कुछ कॉलेज के बिल्कुल ही रिजल्ट नहीं आया मतलब किसी बच्चे के एक बच्चा को कमेंट कर रहा है कि सर मेरा कॉलेज का रिजल्ट नहीं आया तो घबराइए मत वीडियो अच्छा लगाओ तो अपने दोस्तों को भी लाइक कीजिए उनको बताइए कैसे हम परसेंटेज निकाल सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट